वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिट विद एके, जहाँ पे आपको वर्कआउट से रिलेटेड नई नई वीडियो देखने को मिलती है। सो गाइस, आज का हमारा वर्कआउट जैसे कि आपने मुझे देख लिया, ये मैं कर रहा था वार्म अप। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है वार्म अप करना। तो आज का मेरा वर्कआउट है शोल्डर एंड बाइसेप। कुछ एक्सरसाइज है जो शोल्डर को इम्प्रूव करने में और बाइसेप को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो टाइम को जाया किए बिना स्टार्ट करते अपना वर्कआउट। सो गाइस, सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो होगी हमारी बारबल बिहाइंड द नेक, लाइट वेट के साथ। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। 1, 2, 4, 5। ये था हमारा पहला सेट। अब हम वेट को इंक्रीज करते हैं और दूसरा सेट करते हैं। सो गाइस, एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, मैं अपने हर वर्कआउट में ये बताता हूँ आपको, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं कर रही। वेट उतना चूज करें जिससे आप आराम के साथ 10 से 12 रेप कर सकें। इसी लॉन्ग बारबल का यूज करके फ्रंट से, जिसको मिलिट्री प्रेस भी कहते हैं, सो इसको हम करेंगे। पहले हमने बैक से किया था प्रेस, अब हम सामने से करेंगे फ्रंट को टारगेट। बिल्कुल आपने बार को अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ग्रिप करना है, ज्यादा वाइड भी नहीं रखना, बस इतना नॉर्मली। एक चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, जब अक्सर लोगों को मैंने देखा है, वो जब ये एक्सरसाइज करते हैं, ये उनकी मूवमेंट रहती है, जबकि आपने इसको जब आप ऊपर लेके जाए, थोड़ा सा आपने इसको हल्का से पीछे की तरफ पुश करना है, ताकि आपके जो शोल्डर है ये ज्यादा स्टिफ भी ना हो और इनको रिलैक्स भी मिले। सो जब भी ऊपर लेके जाए, थोड़ा सा इसको पीछे को पुश करना है आपने, और हर सेट में आपने
कम से कम मैक्सिमम 30 सेकंड का ब्रेक लेना है। अगर आप ज़्यादा हैवी करेंगे तो 40 से 50 सेकंड इनफ होते हैं। सो हम अब अपना दूसरा सेट सेम वेट के साथ करेंगे। पहले सेट में हमने 15 रेपिटेशन किए थे, अब हम करते हैं कोशिश 12 तो मैक्सिमम हो हमसे, क्योंकि वेट हमने इंक्रीज नहीं किया।2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो हमारी ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। इसके 3-3 सेट आपने करने, मैं जस्ट आपको 2 सेट करके दिखा रहा हूँ। सो गाइस, जो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है शोल्डर डंबल प्रेस। इसी तरह से अपने 3-3 सेट करने, मैं जस्ट आपको 2 सेट करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट सेट में आपने वेट को लाइट रखना है और रिपीटेशन उससे थोड़ा सा आपने मैक्सिमम 15 रिपीटेशन होने चाहिए। देन आप जब नेक्स्ट सेट लगाएंगे उसमें आप वेट इंक्रीज कीजिएगा अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 रेप किए इसमें और अब हम दूसरा सेट करेंगे। मैक्सिमम 20 सेकंड का ब्रेक करता हूँ, देन मूव टू माय नेक्स्ट सेट। तो गाइस, हमारी शोल्डर डंबल प्रेस की एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं फ्रंट डंबल डेल्ट। किस तरह से करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके भी हमने सेम इसी तरह से 3 सेट करने। और एक और चीज मैं इसमें आपको बताता चलूँ, ये वन हैंड भी आप इसको कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप एक और चीज मैं आपको बता दूँ जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जो बेंच यूज करेंगे उसमें आप कोशिश करेंगे जिससे आपकी बैक को सपोर्ट मिल सके, या फिर आप बेल्ट का यूज करें ताकि आपको बैक की इंजरी ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 more। तो डिफिकल्ट है, मुश्किल है, बट अगर आप बेंच का यूज करेंगे आपने इस तरह नहीं, कमर को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आपकी जो बैक है उस पर ज्यादा लोड ना आए और आप इंजर्ड ना हो। सो ब्रेक करते हैं 15 से 20 मिनट का, और सॉरी सेकंड का। देन अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेट की तरफ, जो कि मैं आपको दिखाता हूं कि आप सिंगल हैंड यूज करें तो किस तरह से आप कर सकते हैं। सो हम करने वाले वन आर्म डंबल डेल्ट, फ्रंट डंबल डेल्ट विद वन आर्म। इस तरह से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8
तो भाई ये हमारी फ्रंट डंबल डल की एक्सरसाइज हो गई खत्म, जिसमें मैंने आपको दो वेरिएशन करके दिखाई है। तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी रियर डेल्ट के लिए। पहले हम फ्रंट को ट्रेन कर रहे थे, अब हम करेंगे अपने रियर डेल्ट को। इस एक्सरसाइज का नाम और ये एक्सरसाइज और सॉरी ये मशीन जो है रियर डेल्ट में इस्तेमाल होती है, बहुत जबरदस्त है। एक बैक फ्लाई भी आप इससे करते, सो हम करेंगे अपने रियर डेल्ट को ट्रेन। एक को मैं जरा घुमा लूं, मैंने लिए। अब मैं 20 सेकंड का ब्रेक करता हूं, देन मैं दूसरा सेट भी सेम इसी तरह से सेम वेट के साथ ही करूंगा। अब जो अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं वो है हमारी रियर डेड के लिए ये भी। सो ये हम डंबल के साथ परफॉर्म करेंगे बेंच पे, बेंच का हम यूज करेंगे। बेंच पे बैठ के आपने डंबल को यूं नहीं, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
रियल डेट जो है उस पे लोड आए। सो ये हमारा एक सेट हो गया। अब हम ब्रेक करते हैं 20 सेकंड का, देन हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेट की तरफ, जो कि हम 12 रिपीटिशन करेंगे सेम रेट के साथ, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी आपने, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ताकि आप ये असल में होता ही है कि जब आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं एक वेट आपसे वो सही से लग नहीं रहा, तो आप उस पर ज़्यादा फिर जोर लगा रहे होते हैं, तो फिर वो आपके मसल का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है और लोड और उसका जो है वो कहीं और जा रहा होता है। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। सो गाइस, हमारी शोल्डर की जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है वो है श्रग, जिसके हम दो सेट करेंगे। हम यूज़ कर रहे हैं मशीन का, आप डंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, बारबल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन।
तो गाइस ये मेरी आखिरी एक्सरसाइज है, सॉरी आखिरी सेट है डंबल हैमर कर्ल का, बाइसेप डंबल हैमर कर्ल। तो गाइस हमारे बाइसेप के दो सेट हो गए कंप्लीट, डंबल बाइसेप हैमर कर्ल। और अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, सो इसी तरह हम उसके भी दो सेट करेंगे, देन अपनी एक्सरसाइज को कंक्लूड करेंगे। गाइज ये मेरा सबसे लास्ट सेट और इस एक्सरसाइज का नाम है बारबल बाइसेप शॉर्ट बारबल है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉन्ग नहीं है, नी कर्ल। ये मेरी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप की पीक को बढ़ाने के लिए। Thank you.
सो गाइस ये था मेरा आज का वर्कआउट शोल्डर एंड बाइसेप। कैसे लगा यह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ताकि और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।